नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। खाने के तेलों पर बड़ी बड़ी एक्सपर्ट की राय निकल कर आ रही है। इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बाली में तेल की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां से हम खाने के तेलों के एक्सपर्ट की तरफ से बड़ी राय आते हुए देख रहे हैं। वो राय क्या है, इसके क्या मायने हैं, भारत में खाने के तेलों की कीमतों पर, डिमांड पर कैसा असर पड़ेगा, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ तेल के जाने माने विशेषज्ञ संदीप बजोरिया जी भी सनविन ग्रुप के जुड़ चुके हैं। बजोरिया सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। हमने कुछ कमेंट्री आते हुए देखी है दुराब मिस्त्री साहब की तरफ से, थॉमस मियल के, जो कि खाने के तेलों के बड़े विशेषज्ञों में से जाने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि खाने के तेलों में अब बॉटम बन चुका है, यहां से गिरावट नहीं आएगी, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में हम देख रहे हैं खाने के तेलों की कीमतें बहुत तेजी से गिरी हैं। 5 से 6 महीने के लोस पर है अधिकतर खाने के तेल। सोयाबीन ऑफकोर्स रिकवर किया है, लेकिन साल के अगर हाई प्राइस से देखें तो 10-13% तक उसकी भी कीमतें गिरी हुई हैं। मुझे सर बताइए, क्यों अब लग रहा है कि यहां से बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या वाकई में उत्पादन घटता दिख रहा है या डिमांड बहुत तेजी से आ रही है? आपको सब व्यूअर्स दीपावली की एडवांस तो बहुत बहुत बधाई। आपको भी। मैं ये कह सकता हूँ कि यस, ये साल खाने की तेल कीमतें पिछले साल से 40% कम है, और ये साल फेस्टिवल सीजन में पूरे इंडिया में सबको तेल बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत सस्ते तेल में अवेलेबल हुआ, इससे इंडस्ट्री बहुत खुश है। एंड लेकिन इतना गिरावट आने के बाद में, और जैसे इंडोनेशिया में आपने मेंशन राइटली किया, जो कॉन्फ्रेंस थी और जो भाषण है, वहाँ इंडोनेशिया का प्रोडक्शन करीबन 50 मिलियन टन का पाम तेल का होगा और एक्सपोर्ट 30 मिलियन का हो रहा है। मलेशिया का प्रोडक्शन 19 मिलियन का होगा और 17 मिलियन का एक्सपोर्ट होगा। वर्ल्ड नंबर 1 और नंबर 2 पाम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है जी। और आपने देखा कि इंडिया में हम दोनों कंट्रीज से मिला के 10 मिलियन टन तेल पिछले साल खरीदा है पाम का। एंड सोयाबीन हमने खरीदा है करीबन, आप समझ के चलिए, 3.5 मिलियन, और सल्फर खरीदा है 3 मिलियन। तो टोटल मिला के 16 लाख टन पाम, 35 लाख टन सोयाबीन और 30 लाख टन सरसों, 165 लाख का हमारा इम्पोर्ट है ये ऑयल ईयर में 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023। एंड आगे चल के ये अब इतना बॉटम पे आ चुकी है और ऊपर से एल नीनो वेदर फिनोमेना है, फिर बारिश जल्दी उसे ये मैंडेट बढ़ते जा रहे सब कंट्री में। पूरा अर्जेंटीना में जो डाउन था उसके कारण अर्जेंटीना में उस सीजन होने से वहाँ सोयाबीन तेल की अवेलेबिलिटी बहुत डिप हो चुकी है। और आप तो जानते हैं कि अर्जेंटीना वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोयाबीन ऑयल एक्सपोर्ट हुआ करता है, तो वहाँ इस चक्कर को लेके तो या वर्ल्ड में थोड़ा तेल का अभी ये दो कारणों के कारण में, अल नीनो और नाइट्रोजन यूसेज के कारण में थोड़ी अवेलेबिलिटी में फर्क पड़ने की बात हो रही है, और डिमांड बहुत अच्छी चल रही है इसको लेते हुए। अब जो तेल जिस तरह आने हैं, यहाँ से नीचे जाने में बहुत कम लश रह गई है, मुश्किल से तो बॉटम आप भी मान रहे हैं कि बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, तो क्या अब यहाँ से स्ट्रेंथ आएगी, और अगर आएगी तो कहाँ कहाँ और कितनी? यस नेहा जी, अभी यहाँ से मुश्किल से 2-3% की गिरावट होनी होगी, और वरना तो यही बॉटम है, और उसके बाद में अपसाइड में अगले 3 महीनों का हिसाब किताब आप लाएंगे तो अगले 2024 के मार्च तक ये जो रेट अब चल रहे हैं वहाँ से 10-15% रेट बढ़ सकते हैं, ये गुंजाइश माहौल बन सकती है। बट ये अनलिंक्ड और बायडीजल को वॉच करना पड़ेगा और इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ऑलराइट, तो खाने के तेलों में अब बॉटम बन चुका है, आई भी तो 2-3% की गिरावट, और वहां से हम अक्रॉस द बोर्ड 9-10% तक का राइज यहां से कीमतों में देख सकते हैं। तो गिरावट भी काफी आई है, उसके बाद आप 10% के आने वाले कुछ महीनों में राइज देख सकते हैं खाने के तेलों में अक्रॉस द बोर्ड। थैंक यू बजोरिया जी, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले को समझाने के लिए और बताने के लिए कि कीमतों का आउटलुक किस प्रकार का दिख रहा है। तो क्लियरली जितने खाने के तेल सस्ते हुए हैं इस पूरे साल में, पाम तेल हो, सोया तेल हो, कनोला तेल हो या बाकी जितने भी तेल हो, अब यहां पर बॉटम बनता हुआ क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि सामने जो उत्पादकता है, जो यील्ड है दुनिया के बड़े देशों में, खासतौर से पाम तेल उत्पादक देशों में, वो घटती हुई दिखाई दे रही है, और डिमांड अब ग्लोबल डिमांड सिर्फ खाने के तेलों की नहीं, बायोफ्यूल से जुड़ी हुई भी बढ़ती दिख रही है। तो ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अब खाने की कीमतों में एक आप कह सकते हैं नरमी हटेगी और गर्मी बढ़ना शुरू होगी। चलिए ये तो बात होगी खाने के तेलों की, लेकिन हम देख रहे हैं
कमोडिटी मार्केट में भी बहुत उठापटक दिख रही है और अब समझते हैं कि आपको यहाँ से आफ्टरनून सेशन में और अगले हफ्ते के लिए क्या तैयारी करनी है। हमारे साथ कुंवर जी कमोडिटीज के रवि देवरा शो में शामिल हो चुके हैं। रवि गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। पहले कच्चे तेल पर फोकस कर लेते हैं, थोड़ा डायरेक्शन लेस है, कमजोर डॉलर का तो सपोर्ट मिल रहा है, सामने हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट जो कंसर्न्स थे कोई नए डेवलपमेंट हो नहीं रहे हैं, क्लियरली अरब देश भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से बच रहे हैं, तो उसके चलते कीमतों में एक प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, करना क्या है? डेफिनेटली ये जो रिस्क का प्रीमियम था वो थोड़ा बहुत हटा है। हालांकि वहां पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के आज विजिट कर रहे हैं इसराइल एज वेल एज काफी नेताओं से भी मिल रहे हैं मिडल ईस्ट में, तो आई थिंक इसका डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट होगा। फॉलोवर ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस होगा तेजी की तरफ, कोई ज्यादा मंदी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये गिरावट एक बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट यस जैसे आगे भी हमने डिस्कस किया था, आई थिंक कॉल ऑप्शन से वहां पे बाय कर सकते हैं। 6900 का कॉल ऑप्शन 180 के करीब चल रहा है, इसको बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए, नीचे 120 का टारगेट रहेगा 360 का। ओके, तो इतनी जो वोल्टैलिटी है इसी के कारण रवि जी आपको यहाँ पर ऑप्शन के जरिए कमाई करने की सलाह दे रहे हैं, रणनीति सुझा रहे हैं। 6900 की कॉल आपको लेनी 180 के पास, 120 का स्टॉप लॉस, 360 तक का अपसाइड टारगेट बनता दिख रहा है। अच्छा, मेटल्स में फोकस करना चाहेंगे, हमने पूरे दिन अब तक देखा है इंटरनेशनल मार्केट में मेटल्स अपनी पोजिशन होल्ड आउट कर रहे हैं, तो क्या लगता है यहाँ से अब कुछ स्ट्रेंथ के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जिंक एल्युमिनियम इसको लेके थोड़ी सप्लाई के कंसर्न्स आ रहे हैं, बट आधे इनफ क्या करना है मेटल्स में? बेसिकली जैसे क्रूड पे मिडल ईस्ट का अनसर्टनिटी, इसमें भी चाइनीज इकोनॉमी इज बिगेस्ट अनसर्टनिटी। हालांकि डेटा खराब आते हैं तो पैकेज के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं और यही एक्सपेक्टेशंस से अभी प्राइसेस में उछाल है। हालांकि सस्टेनेबल तभी होगा जब मैक्रो में कुछ परिवर्तन आएगा। अभी मुझे लग रहा है कि इसको एक शॉर्ट कवरिंग के दौर पे देखना चाहिए, इसमें आगे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग एल्यूमिनियम में बढ़ सकता है। इन्वेंट्री में काफी कंफर्ट है, 205.20 के करीब बाय करें, 203 का स्टॉप लॉस, 208.80 के टारगेट इंट्राडे में और 210 के ओवरऑल टारगेट वहां पे दिख रहे हैं। एंड जिंक में भी आज कुछ वोलेटिलिटी, हालांकि जब तक वो 220 के ऊपर सस्टेन है आई थिंक तेजी बरकरार है, 220 के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, टारगेट रहेगा 225 तक। ओके, तो एल्यूमिनियम और जिंक आ रहा है पसंद, कुछ स्ट्रेंथ की संभावना और ऑफकोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसको लेके खबरें भी हैं। नर्स्टार एक जानी मानी जिंक रिलेटेड जो कंपनी है वो अपनी दो खदानों को बंद कर रही है अमेरिका में, और एल्यूमिनियम को लेके भी खबर है कि चीन में इसका जो उत्पादन है वो घट सकता है क्योंकि पावर शॉर्टेज सामने उभर कर आती हुई नजर आ रही है। अच्छा, नेचुरल गैस में हमने जबरदस्त तेजी देखी है, कुछ समय पहले 300 के पार के भी दर्शन हुए हैं, क्या लगता है ये 300 इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा या अब खरीदारी बनती है यहां से? अभी भी अभी भी इन्वेंट्रीज में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। पर्टिकुलर जो वेदर रिपोर्ट है उसमें जो एवरी वीकेंड आ रहा है उसमें क्लियर इंडिकेशन है कि अभी भी कूलर वेदर नहीं हुआ है वहां पे, तो आई थिंक ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखना है, डेफिनेटली स्ट्रेंथ है। और अभी लास्ट तीन वीक से ट्रेंड ये हो रहा है कि जैसे ही फ्राइडे वेदर रिपोर्ट इवनिंग पे आता है लेट इवनिंग यूएस में, तो उसके बाद मंडे में गैप डाउन होता है और पूरे हफ्ते बाद में चलता है, तो आई थिंक यही ट्रेंड रहेगा जब तक इन्वेंट्रीज नेगेटिव में नहीं जाती। मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर वे में कंसोलिडेशन रहेगा, कंसोलिडेशन पॉजिटिव साइड दिख रहा है। अगर डिप में 293 के करीब मिले एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, 290 के स्टॉप लॉस के साथ 304 तक के लेवल आपको एक से दो ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, साथ ही चांदी पर राय दे दीजिए, 350 रुपए नीचे इस समय खरीदे? यहाँ से गिरावट का ही दौर है, ज्यादातर देखे तो वो एक सेफ हेवन अपील बुलियन की वहां पे दूर हुई है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और अभी क्वाली का रुखी रखना चाहिए, 71,200 पे बेचे, 71,680 के स्टॉप लॉस के साथ, डाउनसाइड 70,500 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। आप नियर अबाउट टू 70,000 अगर शॉर्ट टर्म आउटलुक है तो वहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी यहाँ से थोड़ी गिरावट और बची। चलिए, चांदी में गिरावट बाकी है, ऊपरी स्तरों पर उछाल पर बिकवाली की रिकमेंडेशन है, ऑप्टिमम लेवल है 71,200 जहां सेल करना चाहिए। थैंक यू सो मच रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए किन किन कमोडिटीज में कहां कहां है कमाई के मौके।